हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिरंजन है और डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट को समझाऊंगा। 4W कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर अप्रोच बन चुका है, कैसे एक इंडिविजुअल को, स्टार्टअप ओनर को, बिजनेस ओनर को, हाउस वाइफ को डिजिटल मार्केटिंग से फायदा उठाना चाहिए, ये सब इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है इसको समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिससे आप किसी भी बिजनेस को, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, उसको आप ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। इसमें डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब डिजिटल मीडियम क्या है? वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ईमेल्स, ये सब डिजिटल मीडियम है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। वो अपने टारगेटेड कस्टमर को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच कर रहा है। इसमें फ्लिपकार्ट अपना मोबाइल ऐप बनाए हुए है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाए हुए है, उनका वेबसाइट है, उनका ब्लॉग है, इनके थ्रू वो रेगुलर कैंपेन करके, अपनी पोस्टिंग करके, ईमेल मार्केटिंग करके वो डिजिटल प्रमोशन कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। तो फ्लिपकार्ट जैसे हजार लाख कंपनीज ऐसी भी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर अप्रोच में इस्तेमाल कर रहे हैं और अनगिनत लीड्स, सेल्स, कन्वर्जन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो अगर आज के डेट में आपको डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है तो आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना पड़ेगा और फिर डिजिटल मार्केटिंग को इनेबल करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। तो अब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच बन चुका है जो नीड ऑफ आवर्स है। आज के डेट में बिल गेट्स साहब ने कहा है कि जो बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है वो बहुत जल्द आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हैं तो कल को कोई भी स्टार्टअप आप आएगा और आपके बिजनेस को खा जाएगा, आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट्स को आपसे दूर लेके चला जाएगा। तो आज की डेट में आपको भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। अब ये कैसे किया जा सकता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखा जा सकता है? तो देखिए, बहुत सारे अप्रोच है। आप ऑनलाइन वीडियोस, वेबसाइट, उनके कंटेंट को देख के सीख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। आप बड़ा बिजनेस से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। यहाँ के वीडियो को, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर में चीजों को समझाया जाएगा, तो यहाँ से भी आप डिजिटल मार्केटिंग बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। ये तमाम प्रक्रिया है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अच्छा अप्रोच है। तो देखिए, बिल्कुल साफ तौर से बताओ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत मामले में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल अप्रोच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, आप रियल टाइम पे अपने ऑडियंस तक अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसको आप ट्रेडिशनल से थोड़ा सा डिफर करके समझते हैं, ये अगर जो मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है और मैं उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच को करने जाऊँगा तो उसमें मेरा बजट बहुत ज़्यादा लगेगा और मुझे वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगा और हो सकता है मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए वहाँ पे बेस्ट सूटेड मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप 80 रुपये से ऐड चला सकते हैं, फ्री में ऑर्गेनिक पोस्ट कर सकते हैं, अपने ऑडियंस तक अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है और साथ में आप यहाँ पे डाटा का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में ये चीज नहीं है। ट्रेडिशनल में अगर जो आपका कोई होर्डिंग लगा हुआ है तो आप उसको कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से उसका कितना व्यू जनरेट हो रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। कोई टीवी पे कमर्शियल चल रहा है तो उसका उतना सही वे में रिजल्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन रिजल्ट है। यहाँ पे आपका सिंगल व्यूज का रीच, इंप्रेशन, क्लिक, सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं, सबके डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये डाटा ट्रैकिंग एक बहुत यूजफुल अप्रोच है जो डिजिटल मार्केटिंग प्रदान करता है। साथ में आपका ऑडियंस, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है और जहां दिखता है वही बिकता है। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो अपने रियल ऑडियंस तक आपको अपनी बात पहुंचाना होगा। अब रियल ऑडियंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफाइन नहीं होता है, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आप ऑडियंस का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप फेसबुक ऐड में, गूगल ऐड में ग्रुप ज्वाइन करके उन्हीं तमाम ऑडियंस तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं जिनमें आपको बात अपनी रखनी है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट को लाया और यूथ में ही अपनी बात डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंचाया और आज के डेट में सुपर सक्सेसफुल है। 4-5 साल में 50 साल के बिजनेस को वो टक्कर दे दिया। तो वो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, एक रियल टाइम पे एक रियल ऑडियंस के बीच में, टारगेटेड ऑडियंस के बीच में वो अपनी कंटेंट को लेके गया, वहां से उनका सेल्स, कन्वर्जन, लीड्स जनरेट हुआ। तो ये अप्रोच डिजिटल मार्केटिंग आपको देता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव,
आपका पैसा बचा रहा है, सब तरीके से आपको मदद कर रहा है। साथ में यहाँ पे आपको ये भी फायदा है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी जो भी आपकी अर्निंग है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप इस स्किल्स को सीख के फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। हाउसवाइफ अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकती है, घर बैठे हैं, उनको कोई कुछ करना है तो आज के डेट में डिजिटल, हर कोई को डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, रेस्टोरेंट को करवाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, जो पार्लर है, सबको डिजिटल मार्केटिंग कराना है। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है तो आप उनके प्रोजेक्ट को लेकर उन पर काम करके अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग का भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग देता है। तो चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो स्टार्टअप ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी, इस धरती पे मैं तो कहता हूँ बिल गेट्स साहब ने कहा है कि अगर आपको आज की डेट में बिजनेस चलाना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिनका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है वो बहुत जल्द आउट ऑफ बिजनेस होने वाले हैं। तो अगर आप अभी भी डिजिटल मार्केटिंग को सही तरीके से नहीं स्टार्ट किए हैं तो आपको आज से अभी से डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। अब है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखा जा सकता है, तो देखिए बहुत सारे अप्रोच है। आप अपने नजदीकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन कंटेंट को रेफर करके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ब्लॉग और यूट्यूब वीडियोस को देखकर, और तीसरा सबसे बेहतर अप्रोच कि आप बड़ा बिजनेस पे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। यहाँ हमारे जैसे तमाम एक्सपर्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस मोड तक सिखाएंगे, एक एक चीज को प्रैक्टिकली बताएंगे, और ये कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये एक ऐसा स्किल्स है जो जीवन भर, जब तक इंटरनेट है तब तक डिजिटल मार्केटिंग जिंदा रहेगा, और तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को जिंदा रखेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग इज लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। आज से आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना एनरोलमेंट करना चाहिए, धीरे धीरे कंसेप्ट को सीखना चाहिए, फिर उसको लाइव प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। आप जल्द से जल्द डिजिटल मार्केटिंग के इस लर्निंग सीरीज में अपने आप को इनरोल कीजिए, और डिजिटल मार्केटिंग को फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से मेरे साथ सीखिए। थैंक यू।